आपको जो महादेव गेमिंग ऐप है उसके मालिक रवि उप्पल को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी ईडी की तरफ से अनुरोध किए जाने पर इंटरपोल ने रवि उप्पल के खिलाफ पहले रेड कॉलर नोटिस जारी किया था। तो आपको बता दें, अब कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है रवि उप्पल को। माना जा रहा है कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। रवि उप्पल को जल्द ही भारत लाया जाएगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और बताया जा रहा है कि सौरभ चंद्राकर, जो कि रवि उप्पल का साथी है, उसकी लोकेशन भी लोकेट कर ली गई है और जल्द ही सौरभ चंद्राकर तक पहुंचने की कोशिशें होंगी। फिलहाल रवि उप्पल की गिरफ्तारी हो गई है और भारत लाने की जल्द अब तैयारी की जाएगी। तो महादेव ऐप के मालिक पर शिकंजा कसा गया, रवि उप्पल गिरफ्तार हुआ है। महादेव ऐप के मालिक की हम बात करें, एक बड़ी कार्रवाई ये है जो लगातार रडार पर थे, साथ ही सौरभ चंद्राकर रडार पर है, जो लोकेट हो चुका है, जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी और अब जल्द से जल्द भारत लाने की पूरी तैयारी है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र। भारत में मोस्ट वॉन्टेड हम कह सकते हैं, जिस पर रडार आखिरकार कसा जा चुका है, जितेंद्र शर्मा। अब सौरभ चंद्राकर, आप ही ने जिक्र किया था कि चूंकि लोकेट हो चुका है, बड़ी और कड़ी कार्रवाई सौरभ चंद्राकर पर इस पूरे घटनाक्रम में कब तक हो सकती है? देखिए निधि, सबसे पहली कोशिश ये है कि रवि उप्पल, जिसको डिटेन कर लिया गया है, उसको भारत लाया जाए। और उसके अलावा एजेंसी ने यह साफ कर दिया है कि सौरभ चंद्राकर, जो इस मामले में दूसरा आरोपी है, क्योंकि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी को ये दो लोग ही ऑपरेट कर रहे थे, रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, ये दोनों छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। रवि उप्पल को लोकेट करके डिटेन कर लिया गया है, वहां पर अरेस्ट किया गया है और उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा सौरभ चंद्राकर के बारे में भी जानकारी मिल चुकी है, ये बात कन्फर्म है कि वो इस समय दुबई में है और उसको भी जल्द से जल्द लोकेट कर डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। दोनों के खिलाफ RCN यानी कि रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया गया था इंटरपोल के जरिए, और यही वजह है कि दोनों की लोकेशन जो है वहां पर ट्रेस होगी। हालांकि इससे पहले भी एजेंसीज के पास दोनों की लोकेशंस लगातार आ रही थी, क्योंकि ये दोनों जरूर इस बात को एजेंसीज को बार बार घुमाने की कोशिश कर रहे थे कि वो दुबई में नहीं है, श्रीलंका में चले गए हैं और उनका महादेव ऑनलाइन एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एजेंसीज को इनकी लोकेशन मिल चुकी है और कोशिश है कि दोनों को एक साथ ही भारत लेकर के आया जाए। इसमें खास बात यह भी है निधि कि एजेंसीज अभी तक इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 400 से ज़्यादा करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अटैच कर चुकी है। 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। और चार्जशीट दाखिल करने के बाद इंटरपोल में इस बात की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि RCN भी इश्यू हो चुका है और इन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। चार्जशीट बकायदा जो है अदालत में दाखिल की जा चुकी है और इसी वजह से इनको लाने में ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट समृद्ध रहेंगे, इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। Z News.